नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल में ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में की गई अदा। बैतूल ईदगाह में नमाज अदा करने का वक्त सुबह 8 बजे था। नमाज अदा की 8:10 पर हजारों की संख्या में नमाजियों ने ईदगाह में नमाज अदा की। जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद जावेद चिश्ती साहब ने पढ़ाई ईद उल अजहा की नमाज। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि पैगंबर हजरत इब्राहिम से ही कुर्बानी देने की प्रथा शुरू हुई थी। कहा जाता है कि अल्लाह ने एक बार पैगंबर इब्राहिम से कहा था कि वह अपने प्यार और विश्वास को साबित करने के लिए सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी करें, और इसीलिए पैगंबर इब्राहिम ने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया था। कहा जाता है कि जब पैगंबर इब्राहिम अपने बेटे को मारने वाले थे, उसी वक्त अल्लाह ने जिब्रील पैगंबर को भेजकर बेटे को एक बकरे से बदल दिया था। तभी से बकरा ईद अल्लाह में पैगंबर इब्राहिम के विश्वास को याद दिलाने के लिए मनाई जाती है। ईद उल अजहा इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक मक्का की हज की समाप्ति का भी संकेत देता है। हज नहीं करने वाले मुसलमान भी बकरीद के त्योहार को मानते हैं। जामा मस्जिद से घोषणा की गई कि ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में अदा की जाएगी। हर वर्ष की तरह ईदगाह पर हजारों की संख्या में नमाजी देखे गए। ईदगाह में इमाम जावेद चिश्ती साहब ने ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई। वहीं नमाज के बाद इमाम साहब अपने संदेश में पूरे मुल्क सहित हिंदुस्तान के लिए अमन और चैन की दुआएं मांगी तथा भाईचारे का संदेश अवाम को दिया। इमाम जावेद चिश्ती साहब ने चर्चा के दौरान बताया कि बैतूल शहर की फिजा इतनी अच्छी है कि हमें यहां पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से हमारी सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए तथा अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया। इमाम साहब ने पुलिस प्रशासन को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। नमाज खत्म होते ही मुसलमान समुदाय एक दूसरे के गले मिलते हुए ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते नजर आए। ईदगाह के अलावा जामा मस्जिद, हसनैन मस्जिद, फांसी खदान मस्जिद, गर्ग कॉलोनी मस्जिद, गंज मस्जिद एवं अन्य मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। इस दौरान प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट।